महेंद्र सिंह धोनी, माही, MSD, कैप्टन कूल, थाला, इनके बर्थडे पे हमने आपके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूट वीडियो बनाई। होपफुली आपको पसंद है, और पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, शेयर भी कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने ओपिनियन भी बता देना। तो शुरू करते हैं। World Cup. I would like to congratulate the boys over there and would like to thank them for the effort and for the response that they have given me. I think it was really amazing. Young side, we went. It's time for the Indian team to rock. 2011 World Cup. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. 2013 Champions Trophy. I'm not here to prove anyone how good I am. बात करें जब MS धोनी की तो क्या ही बोले उनके बारे में। मतलब 3 ICC ट्रॉफीज जीतने वाला इंसान। सबसे मेन जो उनकी खास चीज मुझे लगती थी, अपने जो प्लेयर्स थे उनको बैक करते थे हमेशा। उनका कभी मोरल डाउन होने नहीं दिया। सबसे टफेस्ट सिचुएशंस में भी काम एकदम काम रहे, क्वाइट रहे, एकदम अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके मैचेस जिताए भी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी ले लीजिए आप, ICC T20 वर्ल्ड कप ले लीजिए आप, इवन वो जो एक बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल हुआ था वो ले लीजिए आप, 2011 वर्ल्ड कप। तो जिस तरीके का एक तो बहुत पीसफुल नेचर रहा उनका, और रोहित शर्मा, विराट कोहली ऐसे जो अब पीक पे अपने करियर के, उनको बैक करके और आज एक बड़ा क्रिकेटर बना के दिया। तो whatever he has done over there, so you can't disrespect him. What he has achieved, so many trophies for the BCCI. At the same time, he's a good human being, good honest man. But one series can't make him bad. He's a good man. नहीं नहीं ऐसा नहीं आएगा। धोनी भाई नहीं खेलेंगे अगले साल तो मैं भी नहीं खेलूंगा। भाई that's a big thing। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जी वो साथ में खेले हैं, हमने 2008 से खेले हैं, तो देखते हैं। The respect will always be there because of the opportunity that he gave us, and the faith that he showed in us, and the way he's handled the whole team in transition over so many years, and now we are the ones who are, you know, taking Indian cricket forward. We understand the importance of that process. So, look, when a person has done so much for the team, you have to appreciate and acknowledge what he's done for India. MSD is an emotion for us. जब वो बैटिंग करने आते थे, कैसी भी सिचुएशन हो, मैच हारने वाली स्थिति भी हो, तो भी कहीं ना कहीं अंदर से विश्वास में ये दिल बोलता था कि यार अभी माही ये संभाल लेगा, और वो संभाल के जाता था, आपको मैच जिताता था। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन द मेरे स्पोर्ट को देखे तो इसकी जो लाइन है इस पर बोला जाता है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, तो कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, कल काफ़ी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे, तो फ्यूचर में कोई याद करे या ना करे, यू नो डजंट मैटर। तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। और इनकी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के तो हम फैन हैं ही हैं। स्टिल आई हैवंट लेफ्ट बिहाइंड हां येलो डेफिनेटली नॉट प्राउड ऑफ द लेगेसी यू लेफ्ट बिहाइंड फॉर चेन्नई सुपर किंग्स एंड दे कैन बिल्ड ऑन इट। लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट अ मैन, व्हाट अ लीडर, MS धोनी। बट स्टिल आई हैवंट लेफ्ट बिहाइंड ना। नो यू आर नॉट, आई एम ग्लैड टू हियर दैट। तो जरा स्टैंड में पहुंचाइए कुछ इस प्रकार से, माही मार रहा है। एंड
MS, you've been looking and staring at this surface, having to set a total, your feelings? I can't hear you, Bish. That's a good thing. It's how popular you are. Having to... This is something else, this noise here. Hopefully आपको वीडियो पसंद आई और लास्ट में यही कहना चाहूंगा यार बर्थडे में क्या बोला जाता है हैप्पी बर्थडे यही तो बोला जाता है।